दैत्य रानी, तुम्हारे इस पुत्र में देवताओं से भी अधिक उच्च और उज्जवल संस्कार प्रकट हो रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के परम और श्रेष्ठ भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रश्न के लिए क्षमा करें, किंतु मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। भक्त प्रह्लाद, मेरे आने और जाने के मध्य केवल नारायण ही होते हैं, अर्थात मेरे आने और जाने का प्रयोजन केवल देव दर्शन ही होता है। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओम हरि, फिर तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लूंगा। प्रिय प्रह्लाद, श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन नहीं देते, सर्वप्रथम वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ओम हरि, तो गुरुवर, क्या श्री हरि विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ी थी? हाँ वत्स, मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी और फिर दीक्षा भी लेनी पड़ी। शिक्षा, परीक्षा और फिर दीक्षा? हाँ प्रभुपाद, ऐसा ही होता है। मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ, परीक्षा देकर परीक्षित हुआ और अंत में दीक्षा लेकर दीक्षित हुआ। अतः तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही होगी। ओम हरि, मैं कैसे दूंगा परीक्षा, मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी कृपा होगी तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। आप मुझे हरि कथा सुनाएं गुरुवर। हरि कथा? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा, पर कैसे सुनाऊंगा? नारायण नारायण, भला श्री हरि कथा कौन सुना सकता है बाहर? श्री हरि तो अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि कथा का आरंभ कहां से होता है और उसका अंत कहां पर होता है, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा ही हरि कथा का ज्ञान करा सकती है। नारायण नारायण। माता पार्वती, मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सका, मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है नारद, कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा। किंतु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहाँ? माता, भोलेनाथ ने इस विषय में आपसे कुछ कहा नहीं। बार बार पूछने पर भी केवल इतना ही बताया गया कि किसी ने आपकी भ्रमण लीला को रोककर आपको एक स्थान पर प्रतिबद्ध कर दिया है। नारायण नारायण, बोले ना, जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेष सत्य भी बता ही दे। तुम ही बताओ ना नारद। माता, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पर कैसा कर्तव्य? देवी, नारद ने एक दैत्य पुत्र को परम विष्णु भक्त बना दिया, इसी कर्तव्य का पालन हो रहा था। बस केवल इतने से कार्य व कारण के लिए इतने समय तक कैलाश पर नहीं आना हुआ? ये तो कार्य का शेष भाग था देवी, पूर्व भाग और अधिक महत्वपूर्ण जिसमें समय लगा।
इंद्र द्वारा पीड़ित हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु की रक्षा कर नारद ने उसे अपने आश्रम में रखा, उसे धर्म उपदेश दिए, दिव्य संदेश सुनाए, मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया, ताकि उसके गर्भ में पल रहे शिशु में सुसंस्कारों की जागृति हो सके। नारद के ही सत प्रयत्नों का परिणाम कि प्रह्लाद परम विष्णु भक्त बन गया। अति उत्तम, फिर तो नारद साधुवाद के अधिकारी हैं। माता, मैं तो भोलेनाथ की कृपा का अधिकारी बना रहना चाहता हूँ। वो तो तुम हो ही, किंतु प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब उच्छृंखल हो उठेगा, ऐसे में उसके पुत्र प्रह्लाद का विष्णु भक्त बने रहना क्या संभव हो सकेगा? नारद, प्रह्लाद तुम्हारा शिष्य है, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए। मैं तो प्रह्लाद का केवल मार्गदर्शक हूँ, परंतु आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। मैं भला आपसे अधिक क्या बता सकूंगा भोलेनाथ? आप ही बताए ना प्रभु। देवी, हिरण्यकश्यप और प्रह्लाद पिता पुत्र अवश्य है, किंतु उनकी चेतना की दिशा भिन्न है। पिता अशुभ का प्रतिनिधि है तो पुत्र शुभ का, दोनों में टकराव अवश्यम भावी है, इससे जगत का लाभ ही होगा। पूर्ण परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी।